Welcome to the formula foundation. In the previous video, theorem 9.1.1 was proved, that was angle side angle postulate. Link is given in the description box. Now in this video we are going to prove second theorem of chapter number 9, whose statement says that if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. Means let we have a triangle ABC. Then according to the theorem, agar is triangle ke koi bhi do angles equal ho, congruent means equal. तो अगर किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के कोई से दो एंगल्स इक्वल हों, लेट से एंगल बी एंड एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो इन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. सो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, साइड ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, साइड ए बी. सो अगर किसी ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल्स इक्वल हों, लेट से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. राइट मींस अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो साइड ए सी भी इक्वल होगा साइड ए बी के. इसी तरह अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं फॉर सपोज, तो इनके अपोजिट साइड्स यानी एंगल ए का जो अपोजिट साइड है वो है साइड बी सी, और एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो है साइड ए बी. तो अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं लेट सपोज, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. मीन्स इन दिस केस ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के. वन मोर थिंग, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे, मीन्स थ्योरम 9.1.1 यूज़ करेंगे. और प्रीवियस थ्योरम क्या था, प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो थ्योरम 9.1.1 था, दैट इज़ एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल्स, मीन्स लेट सपोज इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए, तो तब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रूफ. व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन इन द ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी. मीन्स हमने कहा लेट सपोज एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है. राइट right? सो अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट साइड ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी. मीन्स इसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कि गिवन है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, इसके अकॉर्डिंग जो इनके अपोजिट साइड्स हैं, मीन्स एंगल बी का जो अपोजिट साइड है वो ए सी है और एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो ए बी है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ये आपको प्रूव करना है. सो इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की थी. सो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अब बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर और एक साइड बाइसेक्टर. अब यहाँ पर जो हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सी लाइन है, वो बाइसेक्टर है एंगल का बाइसेक्टर. मीन्स हमारे पास जो एंगल ए है हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. मीन्स बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल को हाफ करें, और साइड बाइसेक्टर मीन्स जो साइड को हाफ करें. मीन्स बाइसेक्टर क्या है, वो लाइन जो कि एंगल को या साइड को हाफ करें, दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. तो अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. मीन्स हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी, यानी एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो लेट वी शो दिस बाइसेक्टर बाय दिस डॉटेड लाइन. और इस बाइसेक्टर ने, क्योंकि ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस बाइसेक्टर ने मीन्स इस लाइन ने, लेट सपोज ये है पॉइंट डी, तो इस बाइसेक्टर ने इस एंगल ए को दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया. लेट सपोज इट्स एंगल वन एंड इट इज एंगल टू, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. राइट और रिमेंबर दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट डी है ये इस बी सी का मिड पॉइंट हो, क्योंकि हमने एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, साइड बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया. राइट सो ये कोई पॉइंट है बी सी पर, पॉइंट डी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ. सो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी ई, हेयर ई इज रिटन बट वी आर कंसिडरिंग टू ट्राइंगल्स ए डी बी. एक ट्राइंगल है ए डी बी, ये जो फिगर आपने ड्रॉ की थी, इस जब हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो अब ये जो एक ट्राइंगल थी ए बी सी, अब ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई. एक ट्राइंगल है एक ट्राइंगल ए बी डी और एक दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी. अब हम इन दो ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं. तो इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस में देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एंगल,
अब यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, जो आपको गिवन है वो क्या था कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या दिया है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, और ये इसका रीज़न क्या है, गिवन, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू। अब यहाँ पर देखिएगा एंगल वन और एंगल टू कौन से हैं, जो वो ए के दो पार्ट्स हैं, एंगल ए के दो पार्ट्स हैं एंगल वन और एंगल टू, जो कि इसके बाइसेक्टर से फॉर्म हुए हैं। देखिएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर था ए डी, तो इसलिए एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे। सो यू कैन से दैट एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू, एंड द रीज़न इज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वो आपकी कंस्ट्रक्शन है, राइट। नाउ थर्ड वन इज ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी मीन्स आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस, यानी अब देखिएगा कि इन दो ट्राइंगल्स की अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, कॉरेस्पॉन्डेंस आप कैसे चेक करते हैं कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं, तो अब आप इसको कैसे इसके ऊपर रखेंगे कि इसको फ्लिप करके इसके ऊपर लेकर आएंगे, तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर आएगा वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। तो अब ये जो ए डी है, ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है, तो आप कह सकते हैं कि ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी, क्योंकि ए डी अपने आप के तो इक्वल है। तो थर्ड स्टेटमेंट आप क्या दे रहे हैं कि ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी, और इसका रीज़न क्या है कि आइडेंटिटी कॉन्ग्रेंस में, मतलब कि एक साइड अपने खुद के तो इक्वल है, राइट। अब देखिएगा एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, एक एंगल दूसरा एंगल और एक साइड, तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, यहाँ भी करेक्शन कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, कौन से दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ए डी बी और एक ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, एंड द रीज़न इज एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, राइट, विच वी हैव प्रूव्ड प्रीवियसली। और आपको प्रूव क्या करना था कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी। अब देखिएगा, अब ये कैसे प्रूव हुआ, इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी के। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं कि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के एलिमेंट के इक्वल होता है। तो अब ये जो ए बी है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, साइड ए सी। इन दो ट्राइंगल्स में ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए सी है। तो अब क्योंकि आप ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, इट मीन्स ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी, विच यू हैड टू प्रूव। सो बाय द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल यू कैन राइट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, रीजन इज बाय द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स, इट इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। सो यहाँ भी करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना था कि साइड ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी के, सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी। सो आई होप यू गॉट इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रूव थर्ड थ्योरम, दैट इज 9.1.3। दैट्स इट।